ये जो आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सुनील यादव जी भी हमारे साथ हैं। सुनील भाई, ये भ्रष्टाचार पर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से टिप्पणी नहीं होगी, सब लोग जो अपने होठ सिल लेंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे ना कि आपके वादे, आपके दावे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं, झारखंड में जब ऐसा होता है तो आप लोग ये कहने लगते हैं कि सरकार जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे यकीन है सुनील भाई कि आपने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। देखिए रूपका जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं बोल सकता, और मैं टीवी पे तो देख ही रहा हूं, इतना पैसा आपका चैनल दिखा रहा है तो उस पर देख रहा हूं। भ्रष्टाचार एक अलग विषय है और जांच एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों अलग विषय है। अगर कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर के अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन निष्पक्ष जांच एजेंसियां जब पॉलिटिकल इशारे पे काम करने लगती हैं, तो उस पर सवाल उठता है। आपने एक अच्छी बात कही और अभी मैं जिनको सुन रहा था वो भी कह रहे थे कि भाई अगर वो, हाँ खान साहब की अगर वो पीए है, सरकारी बाबू है, तो उसके घर 1 करोड़ रुपए मिलना भी बड़ी बात है, वो भी नहीं होता है लोगों के पास। तो असली सवाल ये है कि उस पैसे तक एजेंसियां कैसे पहुंचे। हाँ? और ये कहना जो जिसका पीए है उसी का पैसा है, ये जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव रहे, उन पर घूस का आरोप लगा, तो हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी घूस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में एक बड़ा करके उनके ऑफिस के बगल में ऑफिस बना, पर सुनील भाई इतनी जलेबी बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? ये जो पैसा बराबर, आप मुझे मौका नहीं दे रहे ना। आप नहीं, नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। आपने पूरी बात बोली, मैंने पूरी इत्मीनान से उसको सुन लिया है। मेरे दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने सुना ना कि भ्रष्टाचार अलग चीज है, ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल अलग चीज है। आप पूरी बात रखने नहीं देती, आप उसमें बीच में बोल देती हैं। अच्छा 20 सेकंड और सुनील जी, उसके बाद में सुधांशु। चलिए 20 सेकंड में बात करते हैं। जब कार्यक्रम की ओपनिंग हुई तो मैं एक गरीब के बेटे को भी सुन रहा था जो कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नोटबंदी में अकेले खा गए, पीएम केयर फंड में अकेले खा गए, वैक्सीन 80 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगवाने के बदले में जो चंदा ले लिया वो अकेले खा गए। रूपका जी, अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी तो सुबह शाम डर लग रहा होगा। इस देश के 80 करोड़ लोग डर रहे हैं, जिनको मानते थे कि ना ये खाएंगे ना खाने देंगे, उन्होंने वो अकेले डकार गए। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं 4 जून के बाद यही एजेंसियां इसी गरीब बेटे की जांच कर रही होंगी। ओके ठीक है, इसी पीएम केयर फंड की, इसी नोटबंदी की, इसी चंदे चोरे की जांच। 4 जून तो प्रभु दूर है ना, अभी जो हो रहा है उससे क्यों आप आंख आमिचोली खेल रहे हैं?